go, oh young girl. No tell me no, 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 oh, oh, oh. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers take a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers take a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time for I go. जय सिया राम हिंदुस्तान की आवाम, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक दूसरे ब्लॉग। हमारे साथ में बैठे हैं मनोजा साहब। इस टाइम पे हैं हम पहाड़गंज में, ठीक है। मनोजा साहब इधर देखिए एक बार। मनोजा साहब और अभिषेक पांडे साहब हैं विप्रो के दोस्त, विप्रो के कलीग, और अक्सर साथ में घूमने जाया करते हैं और वीडियो बनाया करते हैं, ठीक है। ये वीडियो है, इसके अलावा एक और वीडियो हमने बना रखी है, ठीक है। अभी हैं इस टाइम पे हम पहाड़गंज में। आज है 21 तारीख और कल है 22 तारीख। सो 22 जनवरी को क्या है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार मैं कैमरा फ्लिप कर रहा हूँ और आप लोग व्यू देखें, यहाँ क्या व्यू हो रखा है। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। इस मदनगिरी डीडी फ्लैट से हम आए थे यहाँ तक पहाड़गंज तक एक दोस्त को पिक करने। दोस्त नहीं बोलूँगा मैं, जिगरी दोस्त बोलूँगा, मेरा बचपन का दोस्त है। एक्चुअली जब मेरे पापा एयरफोर्स में थे उस टाइम पे मैं चेन्नई में था, एंड 6th क्लास में मैं निकल गया था चेन्नई से, 5th क्लास में ये भाई निकल गया था चेन्नई से, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स बाद हम मिल रहे हैं, ठीक है। तो भाई का नाम रियाज है। रियाज कुछ बोलना चाहोगे आप? हेलो। बस हेलो बोलेगा और क्या बोलूँ भाई। तो अभी हम लेके जा रहे हैं रियाज को बहुत दूर, किडनैप करके लेके जाएंगे और फिर उसके माँ बाप से सुपारी मांगेंगे, क्योंकि इसके पापा के पास बहुत मोटा पैसा है। अब आगे देखते हैं सुपारी अपने को मिलती है कि नहीं। मिलती है तो कितनी मिलती है, मिलती है तो कितनी मिलती है। बने रहिएगा हमारे साथ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यमुना जी के तट पर, ठीक है। असीता पार्क हमें जाना था। असीता पार्क वाला जो कट था वो हमने मिस तो नहीं करा, बट वहाँ पे मेरे को गाड़ी पार्क करने की कोई जगह दिख नहीं रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे लेके आ गया। ये पीछे आप देख सकते हो पूरी यमुना जी ही है। थोड़ा गंदा हो रखा है एरिया ये वाला। सामने आई थिंक भंडारा मिल रहा है, जाके देखते हैं एक बार, अगर अपनी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा भंडारा खाने को। चाबी दियो। चाबी दियो, क्यों दियो? अच्छा विंडो, ओके। फाइनली हम आ चुके हैं असीता पार्क, नॉट एग्जैक्टली असीता पार्क, असीता पार्क के थोड़े पीछे वाले एरिया में। पूरा बंजर हो रखा है, बट जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है जून जुलाई वाले महीने में, जब बारिश होती है बहुत भयंकर, है ना, उस टाइम पे वो जो यमुना जी आप वहाँ पे देख उधर, उसका फ्लो बहुत ऊपर तक रहता है, बहुत ऊपर तक। तो ये सारा जो लैंड, ये सारा एरिया पूरा भर जाता है उस टाइम पे, कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे। गाड़ी हमने पार्क कर दी है पीछे, पर मेरा मन तो नहीं मान रहा। अभी हम क्या कहते हैं जाएंगे गाड़ी लेके, फिर घुमा के उसी साइड जाएंगे असीता पार्क की तरफ। आप लोगों ने ट्री हाउस देखा होगा, पर जैसा आप लोगों ने वीडियोस या फिर उसमें देखा होगा सीरीज़ वगैरह में, वैसा तो नहीं है यूट्यूब वगैरह में जैसे आपने देखा होगा, बट हाँ एक प्यारा सा ट्री हाउस है जहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। लेट मी शो यू डैट। रियाज भाई हमारे साथ। रियाज भाई बोलने पता नहीं कौन सी पागल जगह पे लेके आ गए हो हमें, तो अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमने गलत डायरेक्शन ले ली थी। गाइस पूरा आईटीओ का गोल चक्कर एक लगा के, ठीक है, नॉट पूरा आईटीओ का गोल चक्कर लगा के, उसके मतलब सेंटर से कोई कट था, ठीक है, वहाँ से यू टर्न लेके हम फाइनली आ चुके हैं डीटीए ईस्ट असीता पार्क। जो व्यू है ना यार, बहुत ज़्यादा सूथिंग, जिसे सूथिंग कहते हैं और आई कैचिंग कहते हैं, वो वाला व्यू है। एक बार मैं थोड़ा सा झील पे पानी, वो पानी दिखा देता हूँ मैं आपको। And I would also like to tell you guys कि the best part of this place is कि यहाँ पे pets allowed है, dogs allowed है, ठीक है। और ये main gate नहीं है जहाँ से हमने entry ली है, main gate पीछे है, पर वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ से, मतलब हम लोगों ने यहाँ से entry ली है, ठीक है। ये रहे हमारे अमीर दोस्त रियाज भाई, जिससे मैं 15 साल बाद मिल रहा हूँ। बोलना भाई कुछ, कितने बार बोलेगा भाई। तो कुछ बोल ही रहा था, मैं क्या बोलूँ। और इनको तो आप जानते ही हैं, ये है प्रिंस मनोचा साहब। वो बहुत शर्माते कैमरे से, लड़कियों से नहीं शर्माते बस। गाइस मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जब मैं गांव जाता हूँ और गांव में जब अपने खेतों में जाता हूँ ना, तो एकदम वो वाली वाइब आ रही है। पीछे लौंडे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, ठीक है, और फ्लावर्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, बट वो इस साइड नहीं है, बहुत आगे जाके हैं, पर शायद मैं वहाँ तक जा नहीं पाऊँगा क्योंकि गाड़ी मैंने पीछे खड़ी कर रखी है, ठीक है। बट जो वाइब है और जो प्योरिटी है इस जगह की, वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो आप विंटर्स में जरूर आ सकते हो यहाँ पे, और गर्मी में भी आप सुबह और शाम के टाइम में आ सकते हो। इस हम आ चुके हैं एकदम लेक के पास, ठीक है। ये रहा हमारे पीछे लेक, काफ़ी सुंदर सा, और रियाज भाई अपनी बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफी स्किल्स दिखा रहे हैं, और फोटोज़ बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी लिए इन्होंने। इट्स अल्फा अभिषेक पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अगर आपका मन हो तो, क्योंकि वहाँ पे मैं एक से एक दो पिक्स पोस्ट करूँगा आज की, ठीक है। ठीक है रियाज भाई, थैंक यू। ये क्या होता है भाई, क्या बताऊँ भाई, अभी उन्हें प्यारे प्यारे दोस्त मिल चुके हैं अपने को यहाँ पे।
क्या नाम है तुम्हारा, जल्दी बताओ तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा बताओ जल्दी। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। डीडी ईस्ट असीता पार्क से सीधा कैनॉट प्लेस, ठीक है, ज़्यादा दूर था भी नहीं तो हम लोग सीधा यहाँ पे आ गए। एंड आपको बताइए हमारी फेवरेट जगह है कौन सी, यू गाइस ऑलरेडी नो दैट राइट, प्राचीन हनुमान मंदिर यू गाइस नो, ये हमारी फेवरेट जगह, यहाँ पे हम यूजुअली आते रहते हैं। और ये रहे हमारे साथ रियाज भाई, रियाज भाई ने मन्नत मांगी है कुछ, ठीक है, अब वो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद बताएंगे आपको। खैर रियाज भाई ने हनुमान मंदिर की कचौड़ी और लिट्टी चोखा के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, तो रियाज भाई जा रहे हैं अब, क्या कहते हैं, हमें भी पहना दिया अपने को, कलावा बोलते हैं साले, क्या बोलते हैं, कलावा कलावा, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं, पहले हनुमान जी की कचौड़ी का स्वाद लेंगे, मतलब प्राचीन हनुमान मंदिर की कचौड़ी का स्वाद लेंगे, उसके बाद लिट्टी चोखा लगा हुआ है सामने एक, तो पहले कचौड़ी खाएंगे उसके बाद लिट्टी चोखा, बने रहिए आप लोग हमारे साथ आगे। सो गाइज हमने लस्सी पी लिया, अब हम फाइनली आए लिट्टी चोखा खाने, ठीक है, और रियाज भाई की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही होगी, बंदर ही बंदर है यहाँ। रियाज भाई, ठीक है, और रियाज भाई लिट्टी चोखा का मजा लेते हुए साथ में अभिषेक और प्रिंस मनोचा जी, और साथ में ये देखिए हम लोगों ने लिट्टी चोखा खा लिया, ठीक है। देखो मैंने तो बहुत पहले खा लिया और बहुत स्पीड में खाया, बहुत जल्दी खाया, क्योंकि तुम्हारे भाई की लिट्टी चोखा खाने की स्पीड ना बहुत तेज है। प्रिंस भाई साहब खा रहे हैं अभी तक, ठीक है, वो भी खा चुके हैं, अब इधर आओ इधर आओ। तो अब अपने को कहाँ जाना है रियाज भाई बताएंगे, है ना, रियाज भाई बताओ अब आपको क्या खाना है मेरे को, हाँ पानी पूरी खाना अबे वो तो चेन्नई में मिल जाएगा, यहाँ का जो स्पेशल है वो खिला दो पहले, तो पहले रियाज भाई को हम कचौड़ी खिलाएंगे, अब उसके बाद रियाज भाई ने बोल दिया कि मेरे को पानी पूरी खाना है, तो भाई मना तो कर नहीं सकते, तो पहले कचौड़ी खिला देते हैं उसके बाद पानी पूरी खिलाते हैं। हमने खा ली कचौड़ी लिट्टी चोखा एंड और क्या खाया, और लस्सी पी ली, हाँ और लस्सी पी ली, एंड सबसे मेन बात चाय भी पी। एंड सबसे मेन बात जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हो चुका है, दर्शन करने आए थे दर्शन हो चुका है, अब हम जा रहे हैं वापस। और रियाज भाई ने पहली बार फर्स्ट टाइम आए ना दिल्ली, तो रियाज भाई पहली बार दिल्ली आए थे, तो मैं इनको अपनी फेवरेट जगह पे लेके आया जो कि है प्राचीन हनुमान मंदिर, वहाँ पे इन्होंने मन्नत भी मांगी है, मन्नत क्या मांगी वो पूरी होने के बाद बताएंगे आपको जरूर। तो गाइस दर्शन हम तीनों के हो चुके हैं, ठीक है, रियाज भाई ने भी दर्शन कर लिए मंदिर में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, है ना, ये उन लोगों के लिए संदेश है जो हमेशा मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बट आज भी बहुत से ऐसे उस कम्युनिटी में अच्छे लोग हैं जो कि दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, पहली चीज़ तो वो। दूसरी चीज़ ये कि मैं रियाज भाई से ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स बाद मिला एंड ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। एंड ये पहाड़गंज थे, तो पहाड़गंज से मैं इनको पहले DDA ईस्ट असीता पार्क लेके गया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिली अपने को, या फिर जो जगह होगी वहाँ हम पहुँच नहीं पाए, हमने दो चक्कर लगाया, तो हम थोड़ा बाहर से घूमे और फिर वापस आ गए, तो वापस हम CP आए, CP वाले हनुमान मंदिर आए, वहाँ हमने इनको जो जो खिलाया वो आप लोगों ने देख लिया, अब टाइम आ चुका है आप लोगों से अलविदा लेने का, तो मिलते हैं आप लोगों से एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा नमस्कार, कुछ बोलना चाहेंगे आप नहीं, बाय बाय। मैंने भाई इसलिए तेरे को बुलाया कि ताकि तू कुछ बोले और तू बोल रहा है बाय बाय, ठीक है, तो रियाज भाई कुछ नहीं बोलना चाहते, मिलते हैं आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, कुछ आप बोलना चाहते हो, कोई बोलता ही नहीं होता भाई, युग राम राज का आ गया है, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा नमस्कार, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम।